नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे पुराणों में और हमारे ग्रंथों में लिखा है कि यदि हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे घर में समृद्धि और खुशियां दौड़ कर आती हैं। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि धन की प्राप्ति करने के लिए भी हम बहुत सारी पूजाएं अपनाते हैं, लेकिन पूजा करने के भी कुछ नियम होते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने ऐसे पूजा की और पूजा करने का हमारे घर पे या हमारे जीवन पर उल्टा प्रभाव पड़ गया, क्योंकि वह पूजा उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से बताई जाती है। पुराणों में और ग्रंथों में लिखा है कि पूजा करने के कोई ना कोई नियम होते हैं। यदि आप उस नियम से पूजा करते हैं तो आपके जीवन में और आपको धन की प्राप्ति जरूर होती है। लेकिन कभी कभी लोग उस नियम को ना अपना कर पूजा कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके घर में जो समृद्धि है, जो खुशियां हैं, वह दूर हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप पूजा करते समय नियमों का खास ख्याल रखें, क्योंकि हमारी परंपराओं के अनुसार देखा जाए कि हम अपनी समृद्धि को प्राप्त करने के लिए या फिर घर में खुशियां प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं। हमारे दादा से, परदादा से या फिर आपने आसपास के पंडितों से भी पूछोगे तब भी वो यही बताएंगे कि आप यह उपाय अपनाइए जिससे आपके घर में सुख आएगा। लेकिन वह प्रॉपरली किस तरह से करना है, किस विधि से करना है, ये किसी को ज्ञात नहीं है। तो आज जानते हैं कि पूजा के क्या नियम होते हैं और उसके अकॉर्डिंग यदि आप पूजा करते हैं तो वह आपके घर में क्या क्या देते हैं। नंबर एक, आपने अक्सर देखा होगा कि हम पूजा करते हैं और पूजा करने के वक्त हम दीपक जरूर जलाते हैं, लेकिन दीपक हमेशा एक ना जलाएं, दीपक हमेशा दो जलाएं और दो दीपक अलग अलग, यानी कि एक दीपक में तो आप तेल डालें और दूसरे दीपक में आप गाय का शुद्ध देसी घी डालें। क्योंकि अगर आप दो दिए जलाते हैं तो आपके जीवन में आने वाली सारी समस्याएं तो तेल के दीपक से ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि तेल शनिदेव का सबसे खास माना जाता है। इसलिए आपके जीवन से वह बाधाएं दूर हो जाती हैं जो आपके जीवन में आने वाली होंगी। और यदि दूसरा दीपक देखा जाए जो कि घी का दीपक है, यदि उस दीपक को आप जलाते हैं तो आपके जीवन में वह खुशियाँ आती हैं और आपके जीवन में जैसे गाय में आपके 36 करोड़ देवता विराजमान होते हैं, उसी तरह से आपके जीवन में और आपके घर में भी वह सभी देवी देवता विराजमान होंगे और आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानियां दूर होंगी और आपको हर तरह का सुख और समृद्धि मिलेगी। नंबर दो, हम पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद हमें आरती जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आरती हमारी पूजा का समापन होता है। लेकिन आरती करने के बाद जहाँ पर आप खड़े हैं उसी स्थान पर आपको 3 बार परिक्रमा लेनी होगी, क्योंकि 3 बार परिक्रमा लेने के साथ साथ आप भगवान से वह प्रार्थना करोगे जो आपकी इच्छाएं हैं या फिर आपकी जो बाधाएं हैं या फिर आप अपने जीवन में जो चीज पाना चाहते हैं उसकी इच्छाएं आप भगवान को बताएंगे। और 3 परिक्रमा जहाँ पर आप खड़े हैं उसी स्थान पर ही खड़े रहकर उसी के चारों ओर आपको परिक्रमा लगानी है। यह पूजा का दूसरा नियम है। 3, हमने अक्सर देखा है कि हम पूजा कर रहे होते हैं और पूजा करने के वक्त हमारे दीपक या फिर कुछ लोग आकर अगरबत्ती जलाना शुरू कर देते हैं, तो आप कोशिश करें कि उन चीज़ों से दूर रहें। आप पूजा करते वक्त कभी भी धूपबत्ती, अगरबत्ती या फिर दीपक बिल्कुल ना जलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में और आपके घर में दरिद्रता आती है, जिससे आपके पास जो भी है वह सभी चीज़ें आपसे जल्दी ही दूर हो जाती हैं। खास ख्याल रखें कि दीपक जलाते समय आप हमेशा अपने हाथों से उस दीपक को या फिर तिल्ली को भूख मारकर बिल्कुल ना बुझाएं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब भी हम दीपक जलाते हैं और दीपक जलाने के बाद जो तिल्ली होती है तो उसे वे जलती रह जाए, फूंक मारकर उसे बुझा देते हैं। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपक जलाने के बाद तिल्ली को या तो फिर इस तरह से हिला दीजिए जिससे कि तिल्ली बुझ जाए, वह इधर उधर ना लगे, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि हम दीपक जलाने के बाद तिल्ली जली हुई इधर उधर रख देते हैं जिससे आग भी लग सकती है। तो आप कोशिश करें कि तिल्ली को तो बुझाएं लेकिन अपने फूंक से नहीं, हमेशा उसे हिलाकर ही बुझाएं। नंबर 4, कभी कभी हमने देखा है कि घर में हम पूजा कर रहे होते हैं और हमारे आसपास आकर दीपक जलाना कोई शुरू कर देता है, तो आप अपने घर में कभी भी पूजा करते वक्त या फिर भगवान का ध्यान करते वक्त तो आप कोशिश करें कि पूजा करते वक्त कभी भी दीपक ना जलाएं। नंबर 5,
हमने अक्सर देखा है कि घर में खुशबू करने के लिए या फिर मच्छरों को दूर करने के लिए हम लोग अगरबत्ती जला देते हैं, लेकिन अगरबत्ती भगवान की सबसे ज्यादा बुरी मानी जाती है। अगरबत्ती बांसों से बनी हुई होती है, जिसकी वजह से आपके घर में गरीबी आ सकती है और भी बहुत सारी बीमारियां भी आ सकती हैं। तो आप कोशिश करें कि बांस की बनी हुई अगरबत्ती कभी भी यूज ना करें। और हमेशा देखा जाता है कि हम खुशबू के लिए अगरबत्ती का ज्यादा इस्तेमाल करते के लिए तो आप खुशबू के लिए अगरबत्ती की जगह घर में कपूर जलाएं, जिसकी वजह से आपके घर का वातावरण शुद्ध भी होगा और आपके घर से बीमारियां भी दूर होंगी, लक्ष्मी माँ का भी प्रवेश होगा। अगर आप बांस की अगरबत्ती जलाते हैं तो इससे धन की हानि होती है, घर में बीमारियां आती हैं और भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो रोग आपने सुने भी नहीं होंगे वह रोग आपको लग सकते हैं। तो आप कोशिश करें, आप बांस से बनी हुई अगरबत्ती का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो ये है वह कार्य, यदि आप करते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी दूर हो जाती है और पूजा के ये नियम है, यदि आप इन नियमों से पूजा करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी और आपके घर से बीमारियां बिल्कुल दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में सुख आता है, जिससे आपका जीवन कुछ ज्यादा ही अच्छा और सुखी बन जाता है। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।